देखने वालों, आज आपके सामने हम इन गलियों में जो कि है साउथ दिल्ली की सत्यनिकेतन की वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने। और यहां हम कहां आए हैं, कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं। हम आए हैं हंगरी शेफ, वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने गली में है हंगरी शेफ। ये देखिए कॉर्नर पे है ये आउटलेट, और बिल्कुल यहां पे मिलता है डोनर कबाब, डोनर रैप्स, डोनर बर्गर और डोनर नॉच चोस। और ये सब टर्किश फूड है जो कि इजीली दिल्ली की सड़कों पे नहीं मिलता। तो बिल्कुल बेसिक सा इनका छोटा सा प्यारा सा आउटलेट, और यहाँ पे सेटिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप सड़क पे या यहाँ पे दो टेबल लगे हैं, आप वहाँ पे खा सकते हैं। इनका सामने लगा है मेन्यू, और मेन्यू में देखिए द ओरिजिनल डोनर चिकन 130 का, पनीर 120 का, सोया का 100 रुपये का, क्लासिक डोनर का भी वही रेट है, डोनर रैप 120 का, पनीर 120 का, सोया 100 का। यहाँ पे भाई हमारे जिम वाले वाले जो लौंडे हैं या जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए जिम मील है, और नैचोस भी है जी। आजकल नैचोस बहुत पॉपुलर हैं, तो इन्होंने नैचोस की भी ऑप्शन रखी है। और बर्गर तो भाई जहाँ चिकन होता है वहाँ बर्गर तो हमें मिल ही जाता है। तो चलिए इस आउटलेट के कर्ता धर्ता जो टीम है उनसे बात करते हैं। 5-स्टार होटल के शेफ्स जहां का इनको एक्सपीरियंस है वो इस आउटलेट को चला रहे हैं। रमन हमारे साथ हैं और अभिषेक हमारे साथ हैं, और पेंडेमिक में आपको पता है भाई कितने लोग परेशान हैं, पूरा वर्ल्ड परेशान है और ये लोग भी परेशान हैं। लेकिन इन्होंने चाहे नौकरी चली गई, नौकरी में इनको दिक्कत आ गई, लेकिन इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। तो इन्हीं से पूछते हैं, रमन से। रमन और अभिषेक, ये वाला फूड ही क्यों, इतने ऑप्शंस हैं दिल्ली स्ट्रीट फूड में, यही क्यों? एक्चुअली सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने दिल्ली में बहुत जगह शोरमा ट्राई करा, अच्छा मतलब मुझे एक्चुअली जैसा हम होटल में बनाते थे वैसा, जैसे ऑथेंटिसिटी होती है वैसा मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा यूनिक और थोड़ा अच्छा और मतलब अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूँ। ठीक है अभिषेक, आपको जैसे अभी बात कर रहे थे, आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है, कहाँ काम करते थे आप पहले? मैं इससे पहले हैदराबाद से चेन्नई में था, मैं इटालियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में था। तो हमारा हम सब का जॉब चला गया था, ठीक है। तो हमने सोचा, अजरमन ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे दिल्ली में कहीं पे भी ऑथेंटिक शवरमा, लाइक एज अ टर्किश फूड अफोर्डेबल प्राइस पे सर, अच्छी अच्छी शवरमा या फिर डोनर कबाब नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा कि चलो हम कुछ हम ही ये स्टार्ट करें, इसलिए हमने ये सोचा ताकि टर्किश फूड क्या स्टार्ट कर सकते। और अगर रमन मैं आउटलेट के टाइमिंग्स पूछूंगा तो क्या टाइमिंग्स है यहाँ के? सर हम अभी इसको 12 बजे दिन में खोल देते हैं और 10 बजे तक रहते हैं यहाँ पे रात तक। और जोमेटो स्विगी पे आ गए? जोमेटो स्विगी सर प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। और आने वाले हैं। और किसी दिन ऑफ भी रखते हो? अभी अभी सर नया नया है तो हम ट्यूसडे ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन चिकन विकन ज्यादा लोग खाते नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या खिलाओगे आप सर? द ओरिजिनल डोनर रैप जो भी है, मतलब सब अच्छा ही है, आप जो भी कुछ भी ट्राई कर सकते हैं सर। द ओरिजिनल डोनर आप ट्राई करिए, द डोनर रैप ट्राई करिए, डोनर नाचोस भी ट्राई कर सकते हैं। चलो, और ये देखिए, ये है डोनर के लिए चिकन, और क्या प्यारा रंग है। इनसे पूछते हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है। सर इसमें गार्लिक है, अनियन है और चिली है, और हमारा स्पेशल एक गरम मसाला बनाते हैं स्पेशली, वो डला हुआ है इसमें, और भी सारे बहुत सारे मसाले हैं। और इसका ये मैरिनेशन योगर्ट में जाता है, हंकर्ड करते हैं उसमें मैरिनेट करके, फिर चिकन को ओवरनाइट रखा जाता है एक रात के लिए, उसके बाद हम सीख में डालते हैं तो पका। वाह, कितना कुछ डला है और ओवरनाइट रखा जाता है पूरा मैरिनेट होने के लिए। और अब ये डोनर बनता हुआ है, और ये जो ब्रेड है ये खुद बना रहे हैं, रेडीमेड नहीं है। बढ़िया से तेल लगा के एकदम अंग्रेजी नान कहूँगा इसको, और ये पॉकेट बना ली है इन्होंने इसकी। सबसे पहले जा रही है गार्लिक सॉस,
स्पाइसी सॉस। स्पाइसी सॉस किस चीज़ के? लाल मिर्च, हरी मिर्च, सिरिराचा सॉस। सर एक्चुअली ये मेयोनीज बेस है, सिरिराचा सॉस हम आउटसोर्स करते हैं, उसमें मेयोनीज में सिरिराचा और थोड़े स्पाइसेस डाल के फिर उसको सिरिराचा स्पाइसी सॉस बना के हमारी तैयार होती है। फिर उसके बाद लेटेस्ट डाल। अब जा रही हैं वेजीज, प्याज, देखिए कितना सुंदर है। ये नॉन वेज वाला बन रहा है, इनके पास वेज भी है, चिकन की जगह पनीर जाएगा। कितना खूबसूरत है ये देखिए, कितने प्यारे कलर्स हैं। और ये आखिरी में आई गेस पिकल है कैरेट का, हल्का सा खटास होगी जो मुझे फील हो रही है। और ये चिकन जाता हुआ, और क्वांटिटी भी अच्छी लग रही है चिकन की। डोनर कबाब, आपने रोल्स बहुत खाए हैं, जो ये टर्किश मील है ये या तो अच्छे अच्छे होटलों में मिलता है या बहुत कम जगहों पे मिलता है दिल्ली में। उसके बाद हम सर इसमें लास्ट सॉस तजिस्की डालेंगे। सॉस का क्या नाम है? तजिस्की। तजिस्की ये मेडिटेरियन सॉस है सर, शोरमा वगैरह, और इसमें मोस्टली यही यूज़ होती है वहाँ पर, लेबनीज और दुबई साइड जाएंगे आप तो यही मिलेगी आपको। और ये देखिए कितना खूबसूरत है और कितने बढ़िया कलर निकल के आए हैं इसके, बहुत शानदार। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाली चीज़ है वो इनके डोनर है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसको मैं कहूँगा कि कितनी बढ़िया पॉकेट बनाई है, और आपको हमने इसकी प्रिपरेशन दिखाई थी, वेजीज अच्छे से सॉसेज, और ये ऊपर देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने ब्रेड अपने आप बेक की हुई है। तो इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं, तो एक बड़ी सी बाइट, बढ़िया सी बाइट लेते हैं। फर्स्ट बाइट ली है, चिकन अभी इतना बढ़िया मुंह में नहीं आया, एक बाइट और बनती है। टेंडर जूसी चिकन, और जो सॉसेज डाली हैं वो टेस्ट एनहांस कर रही हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सब्वे खाते हैं तो उसको छोड़ दो, रोड साइड शोरमे खा रहे हो तो उसको छोड़ दो, और इसको ट्राई करो, आपको मज़ा आएगा ये खा के। और ये देखिए रैप के लिए रोटी जा रही है अवन में, और रोटी तैयार हो गई है, बिल्कुल फ्रेश रोटी, कोई रेडीमेड रोटी नहीं यूज की जा रही यहाँ पे, मैदे की रोटी। और जो जो डालते जा रहे हो बताते चलो सर। इसमें अब जाएगा गार्लिक सॉस, और फिर हमारा इसमें स्पाइसी सॉस, फिर उसके बाद इसमें हमारे लेटस जाएंगे सबसे पहले, एंड देन उसके बाद थोड़ी वेजीज, थोड़ी कुकुम्बर, टमाटोज, अनियन, और लास्ट में इसमें जाएगा गर्किंस। ये पिकल्ड कैरेट, पिकल्ड कुकुम्बर होता है, स्मॉल वर्जन कुकुम्बर का, और ये पिकल्ड होके ब्राइन में रहता है, ब्राइन सॉल्यूशन में, एंड देन उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपना पीरी पीरी फ्लेवर्ड चिकन। पीरी पीरी है यहाँ पे, तंदूरी भी है, बारबेक्यू भी है और बारबेक्यू भी है, ये तीन फ्लेवर हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा लेते हैं। और पीरी पीरी भी सॉस इन्होंने दिखाई, इन्होंने अपनी बनाई हुई है, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है ये। वाह, और कलर देखिए कैमरा में, कलर देखिए, ओहो, इधर से देखिए क्या बढ़िया शानदार, देखिए वाह ये देखिए, ओहो लुक्स फैब। एंड देन इसके बाद हमारी लास्ट सॉस, तो जिसकी जो मेडिटेरियन सॉस है उसका हम थोड़ा ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर, एंड देन रैप इट। और ये बन गया रैप।
बहुत बढ़िया। एंड देन बटर में टोनर 130 का, रैप 120 का, इसकी एक बड़ी सी बाइट लेते हैं ताकि चिकन आ जाए मुंह में और एक एक ही बार में सबको टेस्ट बताया जा सके। बहुत ही लाजवाब है और जो चिकन इन्होंने पेरी पेरी रखा है हल्का सा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन कमाल के फ्लेवर हैं। सॉसेज इतनी सारी डाली गई हैं लेकिन वो कहीं भी जो चिकन का टेस्ट है उसको ओवरपावर नहीं कर रही है। तो मुझे तो ये रैप बहुत पसंद आया, बहुत ही डिसेंट है, मज़ा आया। सबसे पहले गार्लिक सॉस गई, कौन सी सॉस? स्पाइसी सॉस, वाह, चीज सॉस। और नैचोस जा रहे हैं जो कि रेडीमेड है, टमाटर, और ये क्या है? कुकुम्बर और अलपिनोस। ये गई जी चीज सॉस दोबारा से, नैचोस, और जो इन्होंने वेजीज थे वो दोबारा डाल रहे हैं, एलपिनोस भी जा रहे हैं, और ये क्या डाला गया? कोरिएंडर, वाह। प्याज भी आ गया, मेरा फेवरेट वेजिटेबल, बिल्कुल बारीक काट के डाला जा रहा है। सॉस दोबारा डाली जा रही है, सॉस ये आप खुद बनाते हैं या रेडीमेड है? खुद बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यही असली सीक्रेट होता है, यही असली शेफ की निशानी होती है। और ये किससे सजा दिया गया? कौन से? मस्टर्ड माइक्रो ग्रीन्स है। तो ये हमने वेज मंगवाया है, यहाँ नॉन वेज ऑप्शन भी है, तो नैचोस देखते हैं कि कैसा आता है उसका टेस्ट। बहुत बढ़िया, नैचुरल ज़रूर इन्होंने रेडीमेड पैकेट यूज़ किया है लेकिन जो सॉसेज है ऊपर वो इनकी अपनी बनाई है, इन हाउस है, कोई रेडीमेड नहीं है। एंड इसका जो भी टेस्ट है बहुत लाजवाब है सॉसेज का, यहाँ पे सॉस का ज़्यादा पता लग रहा है जो इन्होंने बनाई है। रैप्स में क्या होता है, चिकन होता है तो थोड़ा एक दूसरे को टेस्ट दबा रहता है लेकिन यहाँ पे साफ पता लग रहा है भाई जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है और जो इन्होंने अपना एफर्ट डाला है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही डिसेंट, साफ सुथरी, स्वादिष्ट चीज़ बना रहे हैं और इनका नया वेंचर है, मैं यही कहूँगा। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं और ऐसा कुछ खाने के शौकीन हैं एक बार इनको के पास ज़रूर आएँ, इसको ट्राई करें और मुझे ये लगता है कि आप रेगुलर हो जाएंगे। मैं तो हो जाऊँगा रेगुलर, अगर मेरे घर के पास होता तो ऑब्वियसली हफ्ते में एक आध बार या तो इनकी दुकान पर आता या फिर मैं अपने घर मंगवाता। मुझे तो ये बहुत पसंद आए और मेरी ऑल द बेस्ट है इनके वेंचर। मुझे तीनों ही चीज़ें बहुत लाजवाब लगी और मैं यही कहूँगा कि रैप्स वगैरह तो मिलते रहते हैं, नैचोस मिलते रहते हैं लेकिन इनका आप डोनर ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा मैंने इनको सजेशन ये दिया है कि थोड़ा सा स्पाइसी रखें क्योंकि इतनी सारी सॉसेज जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट को दबा देती है चिकन को, तो थोड़ा स्पाइसी होगा तो और ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर्स निकल के आएंगे। जो रैप है इसका चिकन पेरी पेरी था तो उसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ऑलरेडी थे, कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही शानदार है, इसमें कोई सजेशन नहीं, इसके लिए बस हल्का सा इसको स्पाइसी रखा जाए। आप अगर स्पाइसी नहीं पसंद करते तो इनको बता दीजिए कि आपको जैसा ये बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनाएं। मेरी तरफ से इस जगह को सुपर थम्स अप, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको ऐसी ही कोई बढ़िया जगह पता है तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम होंगे, जाके अपने अपने सजेशन शेयर कर दीजिए। एंड चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले आपने वीडियोस हमारे देखे होंगे, हमने थोड़े बहुत सरप्राइजेस रखे, आने वाले वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।